दोस्तों नमस्कार, सुनीता शर्मा के साथ। हां जी, आज हमारी छुट्टी का लास्ट डे है जी। दीपावली की छुट्टियां अपने आप में बड़े उत्साह और उमंग भर देती हैं जी। कुछ नया करने के लिए एक अवसर देती हैं। सभी लोग अपनी अपनी जो हॉबी होती है उसको आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि बच्चे भी। जी हाँ, बच्चे भी आगे बढ़ाते हैं और कुछ घर में सजाते हैं, कुछ नया खरीदते हैं, कुछ नया बनाते हैं। लेकिन मैंने भी यह सब किया क्योंकि करना ही था, सभी को करना होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक छोटी सी नई बात जरूर है। मैंने सोचा कि कुछ नया कर रही हूँ, चलो अपने दोस्तों को भी क्यों नहीं बता देती हूँ। जी हाँ, क्योंकि अब हम एक परिवार के हो गए हैं, एक दूसरे के विचारों को समझते हैं और साथ ही साथ में अपना सुख और अपना दुख, अपनी बातें सभी तो अब एक हो गई हैं। जी मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ, आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, एक स्नेक टंग प्लांट को। जी ऑक्सीजन देने वाले प्लांट को, बेहद ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है। तो हमने कहा कि जब ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, सभी वैज्ञानिक भी मान रहे हैं, इस पर अच्छी अच्छी रिसर्च भी हुई है और इंडोर और आउटडोर दोनों रूपों में ये चलने वाला प्लांट है। जी दोस्तों, इंडोर भी चलता है और आउटडोर भी चलता है, आप इसे अपने घर में कहीं पर भी रख सकते हैं। और देखिए कितना सुंदर इसकी लीव्स होती हैं दोस्तों। तो अब हमने कहा कि जब इतना महत्वपूर्ण है, इतना उपयोगी जब यह प्लांट है, तो क्यों नहीं इन छुट्टियों के अंदर मैंने कुछ गमलों को रिपोर्ट किया था, कुछ गमलों को जो इनकी रूट बाउंड हो गई थी तो दूसरे के अंदर डालने का काम इस दौरान किया। तो हमने कहा कि चलो जब ये सब काम कर ही रहे हैं तो क्यों नहीं कुछ ऐसा कर दें जो कि दूसरों को भी सहयोग मिल जाए। जी दोस्तों, और इसके लिए हमने ये काम किया है। ये काम यानी ये दूध की, हमारे यहाँ अमूल दूध काम में लिया जाता है, अमूल दूध की ये जो मेरे पास में ट्रे पड़ी थी उसके अंदर ये मैंने सारे पौधे लगा दिए हैं, कुछ इस तरह से कटिंग करके। जी हाँ, पत्तों की कटिंग करके। आपको मैंने वैसे वीडियो शेयर कर रखा है इसके बारे में कि आप इस तरह से पत्तों की कटिंग से भी स्नेक टंग प्लांट को लगा सकते हैं, जो इतना कीमती है, 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है, तो आप इसको कटिंग के द्वारा भी लगा सकते हैं। जी दोस्तों, और साथ ही साथ देखिए, अब ये जो है मैंने ये रिपोर्ट किया था तो ये सारी एक्स्ट्रा जो थी वो जड़ें इसकी निकाल दी। जी हाँ, एक्स्ट्रा जड़ें निकाल दी और उसमें से ये जो हार्ड हार्ड जो लीव्स थी, जो थोड़ी सी कठोर थी, उनको मैंने क्या किया जी, इस तरह से कटिंग कर लिया। देखिए कितने शार्प है, शार्प कैंची से आप कटिंग करेंगे इस तरह से बिल्कुल, नहीं तो क्या फंगस लगने के चांस रहते हैं। और ऐसी ये जो टूटी फूटी सी जो लीव्स होती हैं उनको आप नहीं लगाएंगे जी, नहीं तो फंगस लग जाएगी और हमारे ये जो है सफल नहीं रहेगी। तो आप इस तरह कटिंग लगाएं और कटिंग लगा करके जब ये दो दो तीन तीन स्टिक मैं अपने सभी दोस्तों को दे दूंगी जी, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं इस तरह के जो पौधे होते हैं वो अपने मित्रों को बांटती चलूँ जो मेरे पास में फ्री में आए हैं और जो मेरे लिए अब उपयोगी नहीं रह गए हैं, क्योंकि एक सबसे बढ़िया, एक सबसे अच्छा उपहार होगा यह। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ मैं बताऊं कि ये देखो दो तरह के हैं मेरे पास में, कुछ इस प्रकार की भी हैं। ये केवल ग्रीन लीव्स थी, इसमें तीन चार गमले मेरे पास में इस तरह के थे जो केवल ग्रीन लीव्स थी उसमें, और दो तीन छोटे वाले हैं जो छोटे हैं, छोटी वाली स्नेक टंग प्लांट होती है, स्नेक प्लांट होते हैं, और कुछ इस प्रकार की ये बॉर्डर वाले गमले थे जी। वैसे मुझे ये देखने में बेहद खूबसूरत बॉर्डर वाला लगता है, देखिए कैसा नाम है इसका, स्नेक टंग, वास्तव में स्नेक प्लांट ही है। ले कहते हैं इसको नागफनी भी कहते हैं, और ये एक मरुस्थलीय पौधा है, इसके अंदर कोई हमको ज़्यादा पानी वानी की ज़रूरत नहीं होती, कम से कम पानी डालने की ज़रूरत होती है, इंडोर और आउटडोर दोनों में चल जाता है
जी इंडोर और आउटडोर दोनों में चल जाता है। और बस यही है कि मिट्टी इसकी थोड़ी सी पोरस बनाए और कम पानी ठहरे, नहीं तो इसकी पत्तियां क्या है गलने लगती हैं, मुड़ने लगती हैं, झुकने लगती हैं। तो दोस्तों ये जब बन जाएंगे तो मैं इसमें से तीन तीन चार चार अपने सभी मित्रों को दूंगी उपहार के तौर पर। मेरा दिया हुआ दिए जाने वाला उपहार आपको कैसा लगेगा जी दोस्तों? जय हिंद, जय भारत। और साथ ही मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरी ये छोटी छोटी सी कोशिशें आपको कैसी लग रही हैं, क्या आप भी करते हैं कुछ ऐसा? करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।